टिप ऑफ द वीक क्या है? पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? बहुत सही सवाल है आपका। नंबर के बारे में बात चल रही है तो यहाँ पे आपको टिप भी नंबर के थ्रू ही देनी पड़ेगी। ज्यादातर वास्तु में नंबर 1 और नंबर 9 को बड़ा ही शुभ मानते हैं। यहाँ पे हम व्यक्तिगत तौर पे बात नहीं करते हैं, लेकिन कॉमन जो आदमी की समझ है उसके हिसाब से 9 जो है वो सबसे लास्ट मैथमेटिक का कैलकुलेशन है। तो 9 वास्तु में सबसे पावरफुल नंबर मानते हैं, जो कि फायर एनर्जी क्रिएट करता है। और नंबर 1 जो है वो कि अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करता है। नंबर 1 का संबंध वास्तु के अनुसार वाटर के साथ किया जाता है और नंबर 9 का रिलेशनशिप फायर के साथ होता है। तो कई बार आपको अगर किसी भी नंबर की कोई रिंग बना के पहननी हो, या कई बार कुछ लोग नंबर के पेंडेंट बना के पहनते हैं, इंडियन लोगों के अलावा, एशियन कम्युनिटी के अलावा और काफ़ी अलग अलग रिलीजन के लोग भी नंबर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो कोई ना कोई तरह का गले के अंदर पेंडन या इस तरह की ज्वेलरी बना के पहनते हैं। तो नंबर 1 बहुत ही शुभ मानते हैं। लोग अपने कार के लिए भी 4x1 या 1x1 या 1x1 का यूज़ करते हैं। तो कहीं से भी आपको मौका मिले, अगर घर में कोई भी नंबर फार्मूला गलत हो, तो आप छोटा सा रिंग या पेंडन बना के भी पहन सकते हो। जी, इसके अतिरिक्त हाउस नंबर को लेकर कोई आपकी ओर से कोई और खास सुझाव रहेगा? वास्तु के हिसाब से घर के नंबर के साथ जुड़ी हुई और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि नंबर सिर्फ घर और आम आदमी के लिए नहीं है, नंबर रिलीजियस चीज़ों के साथ भी है। बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आप कभी भी दिवाली के हिसाब से हिंदू रिलीजन में जब धनतेरस के दिन पूजा पाठ होती है या चौपड़ा पूजन होता है, नए बिजनेस की शुरुआत करते हो, तो बुक के ऊपर सबसे पहले आप श्री करके फिर सवा लिखते हो, यानी कि वहाँ पे चीज़ें डबल होगी, उसको दुगना माना जाता है। तो सवा को बहुत ही शुभ माना जाता है और उसको पॉजिटिव माना जाता है। स्वस्ति के कैलकुलेशन के अंदर भी 9 के पॉइंट्स बने हुए होते हैं, इसीलिए स्वस्ति को हिंदू रिलीजन में बहुत ही पावरफुल सिंबल दिया जाता है। जैसे इस्लामिक रिलीजन के अंदर 786 का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, वैसे हिंदू रिलीजन के अंदर जब कभी आप पूजा पाठ करते हो, हवन करते हो, भगवान का नाम देते हो, तो उसके लिए जो माला घुमाई जाती है उसके जो बीट्स होते हैं वो 108 होते हैं, 108 होती है। हवन के अंदर जो आहुति ईश्वर को समर्पित की जाती है वो भी 108 108 बार होती है। आप देखेंगे कि प्रेस्ट अपने हाथ में माला रखता है और जैसे जैसे वो एक एक बार करके हवन में जो आहुति डालते हैं वो 108 होने के बाद एक साइकिल वहाँ पर ख़त्म होती है। तो वास्तु के हिसाब से 1 और 8 के कैलकुलेशन में बहुत पावरफुल पॉजिटिव सिम्बॉल माना जाता है। फिर भी कई बार हिंदू रिलीजन लोगों के अंदर एक बात का वहम बैठ गया है कि 8 नंबर अच्छा नहीं है। वास्तु के हिसाब से ज़्यादातर नंबर फॉर्मूला में व्यक्तिगत नंबर को ध्यान में रखना चाहिए। 13 के बारे में तो बहुत ज़्यादा कॉमन इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 100 में से 90% लोगों को शायद 13 सूट नहीं करता होगा, लेकिन 5% उसके बाद भी है जिसके लिए 13 भी सूटेबल है। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कनेटिकट में एक होटल विजिट की थी। वो होटल यहाँ पे 30 साल पहले बनी हुई है और 30 साल पहले किसी फंक्शुई कंसल्टेंट ने उस होटल को डिज़ाइन किया था अमेरिकन आदमी के लिए। एक ही ओनर उसके साथ बना रहा, फिलहाल भी होटल वहाँ पे है। उसके आप हर फ्लोर पे जाओगे तो कोई भी फ्लोर पे 5 नंबर का रूम नहीं बना हुआ है और हर फ्लोर पे ऑड नंबर्स हैं, और उतना करने के बावजूद भी उस सारे रूम का अगर आप टोटल करते हो तो इवन नंबर में आता है। तो इट्स रियली नंबर फार्मूला से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इतने सारे आपके पास पॉजिटिव पॉइंट होते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, इसीलिए जब कभी भी आप वास्तु करके अपने बारे में कोई चीज़ नेगेटिव जानते हो तो उसका स्ट्रेस लेने के बजाय उसके समाधान के ऊपर फोकस करोगे तो रास्ता आसानी से मिलेगा। जी, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि पल्लवी जी, लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी इन नंबर्स को उतना ही ध्यान देना चाहिए या क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आप मेन रहते नहीं हैं जी, पर अगर वो आपके विपरीत नंबर हो, क्या उसका रिपरकशन हो सकता है? एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं अपने क्लाइंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टी पे काम करती हूँ उनके बिजनेस के सारे कॉरपोरेशन मैं खुद ही बनाती हूँ। उनके लिए अगर बहुत ज़्यादा उनका बड़ा फैला हुआ बिजनेस है और उनको अपना रियल एस्टेट ट्रस्ट बनाना हो या फैमिली ट्रस्ट बनाना हो अपनी चीज़ों के सिक्योरिटी के लिए, तो वो सारे ट्रस्ट के लेटर्स और नंबर्स मैं ही निकाल के देती हूँ। बहुत बार पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्ट बने हुए हैं या ज्वेलरी ट्रस्ट होते हैं, उसमें ज़्यादातर वो सारे नंबर से शुरू होते हैं। ज़्यादातर लोग 2, 4, 11 उसके बाद उसको जो भी लगाना है उसके हिसाब से वो ट्रस्ट बनाते हैं। आप 7-11 देखेंगे, गैस स्टेशन बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, 7-11 के नाम की जो शुरुआत होती है वो भी वहाँ पर नंबर से होती है। तो बिज़नेस के कॉरपोरेशन का नाम अपने लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और ट्रस्ट के लिए भी कई बार शुरुआत लेटर से ना होते हुए
सीधी नंबर से शुरू होती है और उसको भी पार्ट ऑफ द वास्तु कहते हैं। सेम फॉर्मूला रहती है कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम करते हो उसका जो लकी नंबर है वो नंबर से आप उसके लिए ट्रस्ट या कॉरपोरेशन डिज़ाइन कर सकते हो और वो ट्रस्ट और कॉरपोरेशन उसके लिए हमेशा बहुत अच्छा रहता है। तो नंबर ऑल्सो पार्ट ऑफ द वास्तु। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी पल्लवी जी की ओर से। दर्शकों, यदि आपके मन में आज के एपिसोड से जुड़े, आज के विषय से संबंधित कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, वास्तु, दैट्स vastu@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। सवाल लिखते समय अपनी डेट ऑफ बर्थ, जिस स्थान पर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसका एक ब्लूप्रिंट, एक लोकेशन उसका एक ब्लूप्रिंट कॉपी, अगर हमारे को एक स्केच बना के या उसकी ब्लूप्रिंट कॉपी अगर आप हमें साथ के साथ स्कैन करके ईमेल करें या फैक्स करें, तो पल्लवी जी और एक्यूरेट रीडिंग दे पाएंगी। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि हर महीने के दूसरे रविवार को हम पल्लवी जी के साथ लाइव कॉल इन शो करते हैं। तो ये एक ऐसा अवसर होता है जहाँ पर आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल लेकर के उन तक पहुँच सकते हैं और वो आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप यदि आप उनसे सीधा संपर्क करना चाहें तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं pallavichillavada.com पर। अगले अंक तक के लिए आइए, पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।